दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 215 करोड़ में बिकने के बाद मुंबई की टीम के फिर से कप्तान बनते ही रो पड़े हार्दिक पांड्या, लेकिन रोहित की जगह लेने के बाद उन्होंने अब रोहित शर्मा पर ही कुछ ऐसा कह दिया है कि सुनकर आपको भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। आखिरकार एक बार फिर से मुंबई इंडियंस की टीम में वापस आकर और लगभग कप्तान बनकर क्या बोले हार्दिक पांड्या, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भले ही पांड्या वापस आ गए हैं मुंबई इंडियंस की टीम में, लेकिन कप्तान मुंबई का कौन होना चाहिए, रोहित शर्मा या पांड्या ही? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका फेवरेट। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के बाद सब कुछ बदल गया है। भारतीय क्रिकेट तो बदला ही है, लेकिन इसका असर अब इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग पर पड़ने लगा है। दोस्तों, रातों रात पूरी देश दुनिया में ये खबर अब आग की तरह वायरल हो चुकी है कि मुंबई इंडियंस के लिए फिर से वापस से आकर खेलने वाले हैं हार्दिक पांड्या। जब आपको याद हो तो 2-3 साल पहले ये बात पहले भी छिड़ी थी कि हार्दिक पांड्या टीम के कप्तान बनना चाहते हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम ऐसा नहीं चाहती। और उस वक्त पर रोहित अपनी पीक फॉर्म में भी चल रहे थे, उन्होंने बैक टू बैक पिछले कई सालों में मुंबई की टीम को कप्स जिताए हैं, लेकिन दोस्तों 2 सालों से मुंबई नहीं जीती। परंतु गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या जब टीम से बाहर निकले, गुजरात के कैप्टन बने, तो पहले ही सीजन में अपनी टीम को तो जिताया ही, साथ ही अगले सीजन में भी फाइनल तक लेकर गए हैं। इसीलिए आईपीएल की फ्रेंचाइजियों में हार्दिक पांड्या को अब तक का सबसे तेज तर्रार युवा व सफल कप्तान का टैग दिया गया है। लेकिन एक रात में ऐसा भी क्या हुआ कि पासा पलट गया। देखिए दोस्तों, करोड़ों की रकम अदा की गई है हार्दिक पांड्या को मुंबई में वापस लाने के लिए, और ये ऑफिशियल है कि ये डील भी पूरी हो चुकी है। लेकिन हार्दिक पांड्या जब पहले 2-3 साल पहले टीम के कप्तान बनने की वजह से बाहर निकल गए थे, तो आखिरकार क्या केवल पैसों के लिए टीम में आए हैं? ऐसा हो नहीं सकता, और उनकी ये बहुत तगड़ी कंडीशन रही होगी कि वो टीम के कप्तान बनकर रहेंगे। और इसीलिए दोस्तों हार्दिक पांड्या मुंबई जैसी बड़ी टीम के कप्तान के बनने का ऑफर लगता है कि ठुकरा ना पाए, इसीलिए हाँ कर बैठे हैं। जिससे कि दोस्तों एक बात और पता चलती है कि रोहित शर्मा तो अब इस टीम के कप्तान नहीं रहेंगे, और दोस्तों रोहित की जगह कप्तानी करेंगे हार्दिक पांड्या। लेकिन दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान बनने पर पांड्या ने रोहित के लिए कुछ कहा है। आपको बता दें दोस्तों कि रोहित शर्मा पर हार्दिक पांड्या ने कप्तान बनते ही कहा, एक बार फिर से मुंबई इंडियंस की टीम में वापस आकर बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर पर वापस से आ चुका हूँ रहने के लिए। मुंबई की टीम की यही तो खासियत है, ये कोई खिलाड़ियों की टीम नहीं बल्कि खिलाड़ियों का घर है, जहां पर सब एक दूसरे को परिवार की तरह समझते हैं। मैं हमेशा से ऐसी एक टीम बनाना चाहता था, लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा टीम के सीनियर बोर्ड मेंबर्स का, जो मुझे ऐसे घर का कप्तान नियुक्त करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कह दूं, भले ही मैं इस टीम का कप्तान आज बनूं या अगले साल, परंतु रोहित भाई ही मेरे असल कप्तान रहेंगे, और उनके साथ मिलकर फैसले लेकर मुंबई को जिताने में आगे बढ़ाने में जो मजा आएगा वो वाकई में कुछ और ही होगा। एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी उन फैंस का और मुंबई के सीनियर बोर्ड मेंबर्स साथ ही नीता अंबानी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कप्तान बनने का। हमेशा मुंबई को जिताने के लिए ही खेलूंगा आईपीएल में। दोस्तों पांड्या का ये बयान ना वाकई में अच्छा तो है, लेकिन रोहित के लिए उनके शब्द दिल जीतने वाले थे। फिर भी आप सभी को क्या लगता है, अगर पांड्या मुंबई में आ चुके हैं तो कप्तान किसे बने रहना चाहिए आपके नजरिए में, पांड्या को या रोहित को? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।